मकसद क्या, पूरे देश के बैकवर्ड दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को एकजुट होना चाहिए। आपको मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जमीन, संसाधन में हिस्सेदारी चाहिए, तो वोट की ताकत से अपनी सरकार बनाइए, अपने लोगों को संसद भेजिए। हम लोग के साथ अरे जान मार देते हैं लोग। आप तो पोस्टर की बात कर रहे हैं, अभी देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। दलित बेटी के साथ रेप हुआ, उसके पूरे परिवार को, माँ को मारा गया, भाई को मार दिया गया, चाचा को मार दिया गया, वो बच्ची मर गई को मार दिया। तो ये जातिवादी मनुवादी लोग तो ये करते आ रहे हैं, इसी के खिलाफ तो ये लड़ाई है। तो सारा ताला की चाबी संसद है, विधानसभा, बिना वहाँ गए कुछ नहीं होगा। बक्सर जिले में मौजूद है हमारे विश्व के स्टार पत्रकार, नेशनल दस्तक के संपादक, हमारे बड़े भाई शंभु जी, जो कि काफ़ी यहाँ पर आकर अनिल कुमार जी का बहुजन समाज पार्टी का अलग ही माहौल बना दिया है। हम जानेंगे कि यहाँ से कितने वोटों से अनिल कुमार जी जीत पाएंगे। स्वागत है सर मेरे चैनल में। थैंक यू। बहुत काफ़ी यहाँ पर आकर माहौल अलग चेंज कर दिए हैं सर। पूरे देश में माहौल चेंज है, पूरे देश में बैकवर्ड समाज एकजुट है। बक्सर में एक बार भी बैकवर्ड समाज ही जीतेगा, बैकवर्ड समाज फाइनल जीतेगा। जी जी। चाहे आप क्या संदेश देना चाहते हैं बक्सर के लिए? बक्सर क्या, पूरे देश के बैकवर्ड दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को एकजुट होना चाहिए। आपको मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जमीन, संसाधन में हिस्सेदारी चाहिए, तो वोट की ताकत से अपनी सरकार बनाइए, अपने लोगों को संसद भेजिए, तभी सारे अधिकार मिलेंगे। और हम आप जैसे नेशनल दस्तक की वजह से आप लोग पत्रकार बने, हजारों देश में यूट्यूबर बने, तो उसी तरह से जब संसद में बहुजन समाज के लोग जीत के जाएंगे तो वहाँ भी लोगों में ललक जगेगी। सर जी एक मेरा सवाल है, जो आपके क्षेत्र में जो कि आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपका पोस्टर फाड़ दिया गया था कुछ मनुवादियों विचारधारा वाले, हम लोग के साथ क्या कहिए? अरे जान मार देते हैं लोग। आप तो पोस्टर की बात कर रहे हैं, अभी देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। दलित बेटी के साथ रेप हुआ, उसके पूरे परिवार को, माँ को मारा गया, भाई को मार दिया गया, चाचा को मार दिया गया, वो बच्ची मर गई को मार दिया। तो ये जातिवादी मनुवादी लोग तो ये करते आ रहे हैं, इसी के खिलाफ तो ये लड़ाई है। बक्सर में आए हैं तो तिगुना अनिल जी का एकदम बढ़ गया है क्रेज। जी बिल्कुल, अनिल जी बहुत मेहनती आदमी है और उन्होंने अपने आप को भी साबित किया है, समाज के लिए योगदान दे रहे हैं। बिहार के साहू जी हैं, साहू जी महाराज हैं, उनको समाज एकजुट होकर जिताए और वो जीतेंगे। आप लोग जीत जाएंगे तो पहला बहुजन के लिए क्या कीजिएगा? संविधान में, संसद में कानून बनेगा, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, दवाई, स्कूल, अस्पताल, जमीन में, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, नौकरी मिलेगी। सबसे बड़ी सर एक ऐसा होता है जो कि हम लोग जितना भी घूम रहे हैं धरातल पर, पंचायत में बहुजनों पर काफ़ी अत्याचार होता जा रहा है। तो जब तक आपका संसद नहीं होगा, विधायक नहीं होगा, थाना प्रभारी नहीं होगा, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस नहीं होगा, तब तक अत्याचार होगा। इसलिए वोट सबसे बड़ा अधिकार है और वोट के वोट के चोट से जब तक आपके संसद में MP नहीं बैठेंगे अनिल भाई जैसे लोग, समूह जैसे लोग, तब तक ये अत्याचार चलता रहेगा। सर वो तो सही है, जब बैठिएगा तब ठीक है, ये तो क्लियर है यहाँ से जीतते हैं। लेकिन एक और बात है, हम लोग ऐसा काम किया जाए यहाँ से कि पंचायत में पंचायत बहुजन का बच्चा, शिक्षा में बहुत पैसा के अभाव के कारण, बहुत चीज़ के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाता। मैं तो पूरे देश को बता रहा हूँ, आप भी कुछ काम कीजिए इस पर। जी आप ही गाँव का घूमें। हम तो घूम रहे हैं सर, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए 1 से 5 क्लास तक हरेक पंचायत में कुछ ऐसा नियम बनाए। संसद में हम लोग जाएंगे तो नियम, राइट टू एजुकेशन कानून बना हुआ है, उसको लागू करवाएंगे। अच्छा। सब कानून सरकार की जिम्मेदारी है, खाना नहीं तो सरकार दे, घर नहीं तो सरकार दे, स्कूल नहीं तो सरकार दे, ये समाज का काम नहीं, सरकार का काम है। लेकिन सरकार में ही मनुवादी बैठे हुए हैं। जब हम लोग संसद जाएंगे तो सरकार इस काम को करेगी, DM, SPS, DM, कलेक्टर, थाना प्रभारी सबको लगाएंगे। तो सारा ताला की चाबी संसद है, विधानसभा, बिना वहाँ गए कुछ नहीं होगा। आपके क्षेत्र कैसा रहा सर? बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिल जी के लिए क्या कहिए? लास्ट जीत लिया, ये भी जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। चलिए बाकी आप लोग इस वीडियो को देख कर एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमारे बड़े भाई इन लोगों से दिल्ली से आए हैं बक्सर में, जो कि काफ़ी एकदम अलग ही माहौल बना दिए हैं। और हम जानेंगे यहाँ पर हमारे गर्जीवन है, क्या कहिएगा सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम साजिद हुसैन है जी। और शंभू भाई को राजनीति में चुनाव लड़ने से बहुजन समाज के अंदर एक अलग ऊर्जा और ताकत पैदा हुई है, लोगों में विश्वास जगा है। और यहाँ माननीय अनिल कुमार जी चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ से ये चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से, और काफ़ी मजबूती के साथ बड़े भाई शंभू सिंह भी वहाँ चुनाव लड़े हैं। और बहुजन समाज पार्टी अभी पूरे देश में बढ़िया परफॉर्मेंस करने जा रही है,
और अच्छी ताकत के साथ आ रही है। देश में बगैर बहन कुमारी मायावती जी के किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है। और बहुजन समाज के नौजवानों ने हमारे इन महापुरुषों के संघर्षों से प्रेरणा लिया है। इन प्रेरणाओं से अब देश करवट बदल रहा है। बहुजन समाज के लोग जाग रहे हैं। आप जैसे भाई लोग भी मीडिया में आ गए हैं। हमारी आवाज़ नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक पहुंच रही है। बहुत जल्द बाबा साहब पेरियार रामास्वामी नाईकर, मान्यवर कांशी राम साहब, बहन कुमारी मायावती जी, छत्रपति साहू जी महाराज और तथागत बुद्ध के विचारों का यह सुखमय भारत बनेगा। फाइनल तय है जी, फाइनल तय है। बिल्कुल बिल्कुल तय है। देखिए हमारे गार्जियन बहुत बढ़िया बात अपना बयान रखे। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग अपना अपना कमेंट करके राय दीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा। और सबसे ज़्यादा हमारे बड़े भैया के लिए कि दिल्ली से चलकर अपने क्षेत्र में चुनाव लड़े, फिर यहाँ अपना समय, बहुत कीमती समय दिए बक्सर के लिए। जय हिंद, जय भारत। शंभू भैया बहुजन के बेबाक आवाज़ हैं। शंभू भैया बहुजन के बेताब एकदम सूरज के रथ चमक रहे हैं। और शंभू भैया की बात सुनने के लिए बहुजन समाज के नौजवान, क्या सर्वजन समाज के लोग भी एकदम न्याय के साथ जो बोलते हैं तो सुनने के लिए लालायित रहते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।